आज हम अब्दुल्ला भाई के साथ हैं जिनका पुराना नाम था आशीष भाई। आशीष भाई पूरा नाम क्या था? आशीष शेट्टी। तो आशीष शेट्टी भाई जो हैं वो हिंदुस्तान से हैं और अब मुसलमान हो गए हैं, तो मुझे आज मुलाकात हुई तो ये इन्होंने आज टाइम दिया। आशीष भाई अपनी स्टोरी सुनाएं, कैसे मुसलमान हो गए? लोग तो दुश्मन होते जा रहे हैं मुसलमानों के। बेशक हम एक हिंदू फैमिली से हैं, तो अक्सर जितने हिंदूज को हम जानते हैं 95% मैं ये कहूँगा कि वो अपने मज़हब से इसलिए ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि उनके यानी फैमिली वाले ये कर रहे हैं या फिर उनके पेरेंट्स यानी उनके जो सोसाइटी है सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, इस वजह से वो अपने रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। इन जनरल वो दे डू नॉट बिलीव एज सच। और बाकी 5% ऐसे हैं जिनको अपने यानी रिलीजन से थोड़ा मोहब्बत है, लगाव है, तो मैं वो 5% में था। तो मुझे थोड़ा हिंदुइज्म से चाहत थी यानी लगाव था, जानने की यानी ख्वाहिश थी। तो आप साउथ इंडिया में अक्सर जितने भी टेम्पल्स हैं मैं गया हूँ और यानी ये जानने की कोशिश में है कि यानी ज़िंदगी क्या है, हम इधर क्या कर रहे हैं, क्या मकसद है। ये शायद तकरीबन मैं 10 से 14 साल की उम्र में ये सारे सवाल मेरे जहन में थे। तो अब उम्र क्या? अभी मेरी उम्र 25 है जी। 10 साल की जर्नी जी। तो वो टाइम से शुरुआत हुआ तो बहुत सारे सवाल आते हैं जिनके जवाब ढूंढते हिंदुइज्म में जितने अलग फिरके हैं उसमें भी शामिल हो गए, लेकिन जवाब अक्सर नहीं मिल पाया। तो फिर हम एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे, तो इन जनरल क्रिश्चियंस आर वेरी नाइस एंड वेल स्पोकन एंड वेरी काइंड इन टर्म्स ऑफ द डीलिंग। तो हम सोचे कि शायद उनके बिहेवियर को देख के शायद ये यानी यही सही रास्ता है। तो हमने सोचा थोड़ा यानी क्रिश्चियनिटी की तरफ देख लें। तो अक्सर जितने भी हमने किताबें खोले उसमें लिखा था कि रिवाइज एडिशन, तो हम बस उनसे पूछते थे कि खुदा की तरफ से तो रिवाइज करने की ज़रूरत क्या थी, बस अब यानी जो है वही दे दे। और जो कॉन्सेप्ट है कि तीन एक है, एक तीन है, हमको बहुत कुछ यानी कॉम्प्लिकेटेड लगा। बेसिकली मैं एक नॉर्मल इंसान था जिसको एक यानी ज़िंदगी के नॉर्मल सवाल के नॉर्मल जवाब चाहिए थे। कोई साइंटिस्ट नहीं था जिसको यानी कॉम्प्लिकेटेड थियोरीज और फिलोसफी से कुछ नहीं लेना देना था। तो उसके बाद में हमको लगा कि यानी क्रिश्चियनिटी से थोड़ा दूर हट गए। तो शुरुआत हुई हमारी 3 लाख 3 से जितने भी खुदा हैं हिंदुइज्म से, फिर क्रिश्चियनिटी में 3। फिर हम सोचे कि कॉलेज में कि खुदा नहीं कुछ नहीं, बस यो लो यानी जो करना है इसी दुनिया में कर लो, मज़ा उठा लो। तो हम एकदम गलत रास्ते में चले गए। कोई एक लोकल टीवी चैनल का हम वीजे का काम करते थे, हमारे लाइफ में एम्बिशन था डीजे बनने का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने लगे, तो दुनियावी चीज़ों में पड़ गए। बस खानदान वाले सब नफरत करने लगे, एकदम हटके ज़िंदगी शुरू हुई। तो उस वक्त हमने क्या किया कि हमने जो एक कॉलेज का बंदा जो जो मज़ा उठा सकता है हमने सारे मज़ा उठा लिए। फिर एक ऐसा वक्त आया जब हमको लगा कि अब हमने सब कुछ कर लिया, अब क्या, यानी सब दोस्त सोच रहे थे कि ये बहुत खुश है, सब चीज़ कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हम तड़प रहे थे कि हम सोच रहे थे अभी मैं बुढ़ापे तक इंतज़ार करके मरने के बदले अभी मर जाऊँ, यानी मौत की बहुत ख्याल आ रही थी क्योंकि लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए मेरे पास जवाब नहीं थे। तो उस वक्त मेरा एक कॉलेज में एक मुस्लिम दोस्त मिला जो मेरे साथ मेरे जैसे ही था, तो हम लोग बहुत घूमते थे, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते थे और उधर जाते थे तो पार्टी करते थे। तो एक दिन ऐसे ही रिलीजन का टॉपिक आ गया। तो रिलीजन का टॉपिक जब आया तो उसने बताया कि मुसलमान एक खुदा की इबादत करते हैं। तो ये हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ था क्योंकि हम हिंदुओं के हमेशा ये सोचते थे कि जब भी मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं दीवार के सामने पढ़ते हैं, तो हम सोचते थे दीवार की पूजा करते हैं या फिर मस्जिद में जो चांद और तारा लगा रहता है या फिर जो कब्रों में जाते हैं, तो हम सोचते थे इनकी पूजा होती है। लेकिन जब उसने बताया कि नहीं मुसलमान एक खुदा की इबादत करते हैं, तो ये हमारे लिए यानी पहले तो मैं सोचा ये झूठ बोल रहा है। फिर हमने सोचा चलो एक काम करेंगे, क्योंकि मुझे हिंदुज़म से लगाव था, मैंने सोचा चलो इसको हिंदू बनाएंगे। तो मैं अपने मुसलमान दोस्त को हिंदुज़म सिखाने के चक्कर में थोड़ा हिंदुज़म के बारे में स्टडी करने लगा और इस्लाम के बारे में स्टडी करने लगा। और मैं ये यानी जितना मैं ज़्यादा सीख रहा हूँ पढ़ रहा हूँ मुझे ये श्योर हो रहा था कि इस्लाम एक खुदा का मैसेज है। ये ऐसा मैसेज नहीं है जो कोई आदमी जो डेजर्ट में बैठा है और खुद एक किताब लिख लिया और बस उसको लोग यानी कहानी की तौर पे फॉलो करने लगे, नहीं, इस्लाम खुदा की तरफ से है। लेकिन अक्सर किसी को इस्लाम कबूल करने से दो चीज़ें रोकती हैं, एक होता है सोसाइटी, माशरा, फैमिली, घर वाले क्या बोलेंगे, बीवी क्या बोलेगी, बच्चे क्या बोलेंगे। मैं तो वैसे भी सोसाइटी से हटके था तो मुझे फ़र्क नहीं था उस सोसाइटी, लेकिन दूसरा होता है ईगो कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मेरा बाप कैसे गलत हो सकता है। तो ये मेरे अंदर बहुत था। तो तकरीबन 3 महीना मुझे लगा यानी मेरे ईगो को ओवरकम करने के लिए,
अंदर ही अंदर मैंने इस्लाम कबूल किया। मैं जानता था कि खुदा एक है, उसके अलावा और कोई माबूद नहीं है, किसी और की इबादत करना सही नहीं है। लेकिन मैं बताना नहीं चाहता था, यानी जाहिर मैं ये कर रहा था कि यानी इस्लाम मतलब चार शादी, टेररिज्म, जो भी न्यूज़ में मिलता है बस उसको जाहिर कर रहा था, लेकिन दिल में ईमान आ गया था। तो तकरीबन 3 महीने अपने आप से लड़ता गया। तो आखिर में उसने क्या किया कि उसने मुझे कुरान की एक इंग्लिश ट्रांसलेशन ला के दी, और उसमें उसने बोला कि थोड़ा मुझे पढ़ के समझो। तो हम सोचे चलो उसको पढ़ लेंगे, थोड़ा गलती ढूंढ लेंगे, बोल देंगे इसको इसका गलत मायना सब। तो हम जिस तरह पढ़ने लगे, हर एक आयत ऐसा था जैसे दिल में कुछ बिजली मार रही, एंड इट वॉज सो पावरफुल कि योर ईगो कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट। तो उसके बाद में हमने फाइनली उसको बोल दिया कि खलास हमको इस्लाम कबूल करना है। एंड दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी, एंड दिस इज हाउ इट ऑल बिगन। इंटरवल आ गया, उसके बाद क्या? एंड वी स्टार्टेड ऑफ दैट, इस तरह यानी शुरू होने के बाद में हमने सोचा चलो, क्योंकि हम एक ऐसे फैमिली से हैं जो अक्सर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, तो हम सोचे बेकार में क्यों मसला खड़ा करें, हम इस्लाम फॉलो करेंगे लेकिन किसको बताएंगे नहीं, बस यानी एक खुदा की इबादत करेंगे, जब नमाज पढ़ सकते हैं पढ़ लेंगे और बाकी सब गुनाहों से बचेंगे। लेकिन लाइफ में कुछ नहीं बदला था, लाइफ वही चल रहा था, हम लोग पार्टी कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो मेरे अंदर कुछ फीलिंग आ रहा था कि समथिंग इज मिसिंग स्टिल। तो यानी यू नो अल्लाह हैज़ हिज़ ओन वेज ऑफ यू नो ब्रिंगिंग पीपल टू द स्ट्रेट पाथ। तो मेरे साथ क्या हुआ कि आई हैड अ मेजर एक्सीडेंट। हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हो जाएगा।